हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पम्मी, पम्मी इस लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, वैसे तो लेडीज़ के पास बहुत सारे कपड़े होते हैं, कोई कमी नहीं होती हर एक लेडीज़ के पास, और फिर भी सीज़न में कपड़े ना मंगवाए ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, ये है समर कलेक्शन मेरा। तो मैंने ये मंगाए हैं कुछ टॉप जीन्स के साथ या लोअर के साथ वेयर करने के लिए। तो एक तो ये है, देखिए ये फ्लावर प्रिंट है इस पर, और ये दोस्तों मैंने लोकल शॉप से ही लेके आई हूँ, मतलब कहीं बाहर से नहीं मंगवाए। तो ये देखिए, इसके कॉलर छोटी छोटी बैन वाला गला है और 3/4 इसकी बाजू है। और दोस्तों, एक मंगवाया है ये टॉप, ये सारे कॉटन के हैं दोस्तों, 3/4 इसकी बाजू है, और इसमें ये टांगने के लिए भी बटन दिया गया है, अंदर की तरफ एक पट्टी सी लगी हुई है, बैक साइड इसकी ऐसी है, और कॉटन के हैं दोस्तों। गर्मी में मज़ा आ जाएगा डाल कर, और मैं डाल के तो नहीं दिखा रही अब क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और बार बार उतारो डालो तो थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगता, अच्छा तो क्या चिपचिपा सा हो जाता है सारा। तो ये है एक दोस्तों वाइट कलर का, इसमें हल्के हल्के से प्रिंट है, और इसका जो कपड़ा है स्ट्रेचेबल है, और इसकी जो बैन पट्टी है कॉलर इस तरह की है, छोटे छोटे हल्के हल्के बैन पट्टी सी लगा रखी है, और आगे नीचे तक इसके बटन है, 3/4 इसकी बाजू है, और ये भी बहुत अच्छा कपड़ा है, स्ट्रेचेबल है थोड़ा सा है, मतलब वो कॉटन भी नहीं कहा जा सकता उसको, मतलब अच्छा कपड़ा है। तो दोस्तों, इनकी फिटिंग सबकी मस्त आई है, और बाजू भी अच्छी है इसकी, आप चाहे लोअर के साथ, पजामे के साथ, कैप्री के साथ, या मतलब पैंट के साथ कैसे भी वियर कर सकते हो इसको, बाहर भी डाल के जा सकते हो और घर पे भी डाल सकते हो, जैसे आपका दिल करे वैसे ही डाल सकते हो। हल्के हल्के कलर हैं, हल्का सा मतलब अच्छा है, और एक ये लाइट ग्रीन कलर का, पिस्ता ग्रीन जो कहते हैं जिसको, वो वाला है, और इसमें हल्की हल्की सी ये प्रिंट सा बना हुआ है वाइट कलर का, और इसकी 3/4 बाजू है दोस्तों, और इसका बैन वाला गला सा है, और 2-3 बटन दिए हुए हैं आगे, और इसका भी कपड़ा बहुत अच्छा है, और फिटिंग इसकी भी मस्त आई है दोस्तों, बहुत प्यारा है ये। और आप गर्मी के अकॉर्डिंग, इसका कलर भी बहुत अच्छा है। और दोस्तों, ये मंगवाया एक सूट, मंगवाया तो क्या लेके आई हूँ, ये गले के ऊपर हल्की सी एम्ब्रॉयडरी है, 3-4 फूल निकाले हुए हैं, बाकी इसमें सारा सेल्फ प्रिंट है, और ग्रे सा कलर है इसका, और पूरा लंबा कुर्ता है, और 3/4 इसकी बाजू है, और बाजू के ऊपर हल्की सी आगे ये लेस लगा रखी है, और गोल इसका गला है, और अच्छा कपड़ा बहुत अच्छा है, नरम है इसका कपड़ा, जैसे गर्मी में शरीर को अच्छे बॉडी पे डाला अच्छा लगता, गर्मी भी नहीं लगती। और ये इसके साथ प्लाजो है, पैंट प्लाजो, और इलास्टिक डाल रखी है इसके चारों तरफ, और खुला है अच्छा, इसके अंदर एक पॉकेट दी गई है, इलास्टिक डाल रखी है, और इसके अंदर एक पॉकेट दे रखी है ये, और काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट सा कपड़ा है। तो दोस्तों, जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा देना। तो दोस्तों, ये इसके साथ दुपट्टा है, हल्का सा कॉटन का ही दुपट्टा है, बहुत प्यारा सूट है। तो दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो आपको कोई पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। तो दोस्तों, ये है लखनवी कुर्ती, और मेहंदी कलर है इसका, 3/4 बाजू है, और इसके ऊपर कढ़ाई की हुई है, गले के ऊपर देख ही रहे हैं जैसे आप, कलर काफ़ी अच्छा है, और बिल्कुल प्योर कॉटन की है, और ये देखिए इसके मतलब जो
साथ साथ वर्क किया हुआ है इसके इसके मुड्डे पे, मतलब जो कहते हैं शोल्डर पे भी वर्क है, और पीछे भी एक बैक में भी एक मतलब वर्क दिया हुआ है, और इसके ऐसे ही शोल्डर पे दे रखा है, नेक पे भी दे रखा है। काफ़ी अच्छा कुर्ता है, 650 का है ये दोस्तों कुर्ता एक। और इसी तरह का ही ये वाइट है, इसके ऊपर भी लखनवी कढ़ाई है, और इसके साथ एक एक इसके गोल्डन कलर की पट्टी लगी हुई है, बीच में लंबी पट्टी है, और साथ साथ इसके ये देखिए दोस्तों वर्क है लखनवी वर्क, और साथ ही इसके बटन दे रखे हैं आगे की तरफ पट्टी के ऊपर, और 3/4 इसकी बाजू है, और वो बाजू के ऊपर भी ये गोल्डन पट्टी दे रखी है, और गले के ऊपर भी ये मतलब वर्क दे रखा है, और पीछे इसका जो बैक साइड है वो प्लेन है। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा है, और 650 का ये है इसका रेट है। तो दोस्तों ये लोकल मार्केट से ही लिए हैं मैंने, जैसे मैं इसका लिंक वगैरह नहीं दे सकता आप लोगों को। तो दोस्तों ये दो कुर्तियाँ और ली हैं मैंने, वो दिखा रही हूँ। इसका भी हल्का सा सी ग्रीन सा कलर है, वाइट और सी ग्रीन, और इसके अंदर ये देखिए छोटी छोटी मतलब सिलाई की हुई है, उसके साथ डिजाइन बना रखा है, 3/4 इसकी बाजू है, और गला ज़्यादा डिजाइन नहीं है, गोल ही है लगभग, और पीछे प्लेन है। इसकी भी फिटिंग मस्त आई है दोस्तों सारी कुर्तियों की, और कॉटन का कपड़ा है सारा, और बहुत ही प्यारा कलर है, और ये भी 650 की ही है दोस्तों। और एक ये कुर्ती है, ये येलो और ब्लू सी कलर की इसके ऊपर मतलब प्रिंट है, और गोली गला है इसका, हल्का सा 3/4 बाजू है इसकी, और बिल्कुल प्योर कॉटन की कुर्ती है, और इसकी भी फिटिंग मस्त आई है ज़बरदस्त। तो दोस्तों ऐसी कुर्तियाँ बहुत अच्छी लगती है, और ये भी 650 की कुर्ती है, बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत ही मतलब ज़बरदस्त कपड़ा है इसका, और देखिए बिल्कुल प्योर कॉटन है। तो हल्की सी मेरे खुली है, जैसे मतलब धोने के बाद ये बिल्कुल फिट आ जाएगी। और दोस्तों कुछ मैंने मंगवाया है क्लीनिंग का सामान, तो ये तो अमेजोन से ही आया है, ये ब्रश है दोस्तों, जैसे टॉयलेट सीट होती है तो उसकी बैक साइड में जहाँ पे उनके कवर होते हैं वहाँ पे ब्रश के साथ ये मारने वाला ब्रश है, उसमें काफ़ी गंदगी सी जमा हो जाती है। और ये दोस्तों अगर टॉयलेट में या मतलब सिंक के अंदर कोई चीज़ उसमें गिर गई है तो उसको उठाने के लिए है, जैसे एक चिमटी का काम करता है, तो ये इसके अंदर ये ब्रश के, और ये काफ़ी सही है ब्रश, छोटी सी स्पेस में भी चला जाता है। और एक ये दोस्तों मैंने टैप के ऊपर लगाने वाला फाउंटेन का मंगवाया, फुहारा सा होता है, और ये टैप के ऊपर लग जाएगा, और एक ही तरफ तार बंद के मतलब वो पानी नहीं आएगा, और ये आप सफाई वगैरह करते हैं या बर्तन वगैरह धोते हैं तो इसके लिए बहुत ही अच्छा है ये। और ये दोस्तों एक मंगवाया है मैंने वाइपर, जैसे मतलब ऊपर किचन के ऊपर जो मतलब अलमारियां बनी हुई है उसको साफ़ करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे हाथ नहीं जाता, तो इसका जो हैंडल सा है चारों तरफ मुड़ जाता है, और इसके आगे जो है मतलब काफ़ी अच्छा गद्दा सा दे रखा है, और अच्छा सा इसमें स्पंज की टाइप दे रखा है, इसमें गिल्ला करके और अच्छी तरह से इसको ऊपर तक इसके जो हैंडल है मतलब डंडी है इसकी वो काफ़ी लंबी है, तो आप आराम से ऊपर तक इससे अपनी सफाई कर सकते हो, जो मतलब किचन के अंदर अलमारियाँ हैं या मतलब स्टोरेज बॉक्स होते हैं उसको आप अच्छी तरह से साफ कर सकते हो। और एक मंगवाया है ये अमेजोन से ही बुढ़िया ने बैग, क्योंकि वो डेली जाती है तो अपना टिफ़िन वगैरह पानी की बोतल वगैरह लेके जाती है, तो काफ़ी बड़ा बैग उठाना पड़ता था उसे, तो ये छोटा सा बैग उसने मंगवाया है। ये भी ये आगे पॉकेट है, इसमें आप टिफ़िन रख लो, पानी की बोतल रख लो, काफ़ी बड़ी पॉकेट है दोनों साइड। और
ये दूसरी तरफ भी एक पॉकेट है, अच्छा लेदर का है और ग्रे कलर से का है। और ये आप पीछे टांग भी सकते हो, आगे पकड़ भी सकते हो। और ये भी अच्छी पॉकेट है, इसके अंदर भी दो पॉकेट और दे रखी है, तो काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों बस आज इतना ही, तो यही कुछ मंगवाया था। दोस्तों आपको कुछ भी इसमें से अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करना। और दोस्तों तब तक के लिए बाय दोस्तों, टेक केयर।